नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेघरा में कई दशक से संचालित सावित्री देवी मारवाड़ी बालिका उच्च विद्यालय तेघरा के कैंपस में नवनिर्मित गैलेक्सी कॉन्वेंट भवन का विधिवत उद्घाटन सोमवार को मटिहानी विधायक सत्तारूढ़ दल के सचेतक राजकुमार सिंह एवं अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के मौके पर विधायक राजकुमार सिंह ने गुणवत्ता शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा सिर्फ सीमित ज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि संस्कार, मूल्य और नैतिकता बेहतर शिक्षा से ही प्राप्त होता है। उन्होंने उद्घाटित विद्यालय को अपने स्तर से हर संभव सहयोग करने की बातें कही। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों से निवेदन करते हुए कहा कि गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए और पढ़ाई के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक खेल कला की गतिविधियों में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। विद्यालय प्रबंधन की अध्यक्षता नीलम अग्रवाल ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों व अभिभावकों की अहम रोल होती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में वह सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जिसका उपयोग यहां के छात्र छात्रा करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में विद्यालय नए तेवर के साथ शैक्षिक व गैर शैक्षणिक कार्यों को अंजाम देगी। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम कुमारी ने विद्यालय विकास के लिए विधायक को ज्ञापन देते हुए कहा कि विद्यालय बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। आने वाले नए सत्र की नई तकनीक एवं जोश के साथ हम सभी काम करेंगे। आगत अतिथियों का स्वागत तेघरा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह व्यावसायिक संघ के सचिव सुरेश रोशन एवं सचिव रश्मि कलोटिया ने किया। मौके पर विद्यालय प्रबंधन के राखी अग्रवाल, कल्पना अग्रवाल, मधु अग्रवाल, राधा टिकमानी, संतोष अग्रवाल, सुशील केजरीवाल, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम उर्फ कारी मुखिया, विनोद कुमार कांग्रेसी नेता, राजीव रंजन, राजेश कुमार श्रवण, बैजनाथ महाराज, शिक्षक भुवनेश्वर शाह, अनिल कुमार, संजीव कुमार के अलावा अन्य मौजूद थे। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अब किया जाएगा जो गैलेक्सी के लिए गोविंद लोगों का एक आके लागू हुआ है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया खास करके समाज के बल जब रोका हो जाता है तो और बेहतर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ और कभी भी अगर हमारे लिए अगर कभी कभी आवश्यकता होगी मेरा इस विद्यालय में आऊँगा। और क्योंकि आज की बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अध्यक्ष महोदय जो अपने अथक प्रयास से भूख की स्थापना हुई है कम से कम उसे अनुदान की भी श्रेणी में जोड़ दिया है। और चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, शिक्षा का कार्य हो, व्यवसायियों की समस्या का समाज हो या सामाजिक सरोकार के जितने भी कार्य हैं उसको सुरेश रोशन जी जिस दक्षता और जिस निष्ठा से वो उसका संपादन करते हैं ये उसी का प्रतीक है कि आज मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ लेकिन मुझे इन्होंने यहाँ पे बुलाया अपने विद्यालय के स्थापन में। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।